डोंट फॉरगेट यू, सब्सक्राइब नाउ आई जी टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ताहिर अब्बास, मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं आज दी टेक्नोलॉजी, हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा आज दी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दराज सेलर सेंटर इस्तेमाल करते हैं, आप दराज के सेलर हैं, तो आप इसके लिए पैकिंग मटेरियल कैसे ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है, तो मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है daraz.pk। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको अपनी डेस्कटॉप पर जा कर दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको ओपन करना है। ये देखिएगा, मैंने daraz.pk ओपन किए हुए। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आपके पास दो अकाउंट होते हैं, एक होता है दराज मेंबर अकाउंट, एक होता है दराज कस्टमर अकाउंट या बायर अकाउंट, सेलर अकाउंट कह सकते हैं, बायर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें वाजे करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप daraz.pk खोलते हैं, मैं आपको यहाँ पर दोबारा से इसका, ये देखिए daraz.pk आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ आपके सामने इस तरह से आएगा। तो इसके दो अकाउंट हैं, उनमें डिफरेंट क्या होता है। एक होता है बायर अकाउंट, बायर अकाउंट वो होता है जो कस्टमर अकाउंट होता है। बायर अकाउंट से सिर्फ आप चीज़ें खरीद सकते हैं और वो कस्टमर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, दूसरा होता है सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट जो होता है उसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर या दराज सर्विस के ऊपर, दराज स्टोर के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटन मुख्तलिफ किस्म के टाइप आ रहे हैं, मेरे डेस्कटॉप आप देख रहे हैं। यहाँ पे सेव मोर ऑन ऐप है, सेल ऑन दराज है, कस्टमर केयर है, ट्रैकिंग यूअर आर्डर है, और लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ सेल ऑन दराज के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें सेलर सेंटर में ले जाएगा। वहाँ एक अलग लॉग इन का बटन आएगा या साइन अप या क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर का बटन आएगा। तो यहाँ पे हमने जाना नहीं, हमने कस्टमर अकाउंट में जाना है। जैसे ही आपने लॉग इन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपको ले चलेगा ये वो अकाउंट की तरफ जो बायर अकाउंट होता है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ न्यू मेंबर हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया अकाउंट बना पाएंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको नया अकाउंट बना के दिखाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको पैकिंग मटेरियल के लिए ऑर्डर करना बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, लॉग इन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यूज़र नेम पासवर्ड लगाने के बाद अगर आपका अकाउंट बना है, नहीं बना तो नया बना लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉग इन वाले बटन के ऊपर तो ये देखिएगा मेरा अकाउंट जो है लॉग इन हो रहा है। यहाँ पे आपके पास दाएं हाथ के ऊपर यहाँ पे मेरा माउस रखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम, आपका अकाउंट जो भी होगा उसका नाम यहाँ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। अब आप पैकिंग मटेरियल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैकिंग मटेरियल सर्च कर लेता हूँ दराज के स्टोर में। तो दराज के स्टोर में सर्च किया तो नो पैकिंग मटेरियल आ रहा है। दोबारा मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा फ्लायर लिखता हूँ। पैकिंग मटेरियल अगर लिखता हूँ तो पैकिंग मटेरियल बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो फिर आपको अच्छा लगे, जो चीज़ आपको चाहिए होगी उस हिसाब से आप इनसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा पैकिंग लिखने से बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो पैकिंग के हवाले से होती हैं, लेकिन इसके सामने पैकिंग मटेरियल फ्लेयर वगैरह लिखना भी ज़रूरी है। दराज पैकिंग मटेरियल के ऊपर क्लिक किया तो मुख्तलिफ किस्म के फ्लेयर आपके सामने आ गए हैं जो दराज माल की तरफ से हैं। तो यहाँ पे दराज माल में अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोकल बंदे से लोगे तो वो पैसे इसके ज़्यादा लेगा आपसे। यहाँ पे देखिएगा 2408 जो है वो 400 का है और ये डबल दे रहा है, ये भी दराज माल का ही है।
तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो ये दोनों मैंने पहले ट्राई कर रखे हैं ये नॉट अवेलेबल हैं, तो ये मैं बड़े वाला देख लेता हूँ। ये जो बड़े वाला है जस्ट मैं इसको ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखते हैं ऑन हो रही है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखिएगा यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है आउट ऑफ स्टॉक होगा तो उसका आप ऑर्डर नहीं कर सकते। तो बैक चले जाते हैं, बड़े वाले में देखते हैं, मज़ीद बैक चले जाते हैं, दोबारा रिसर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, सब मिलकर आएंगे। फिर इसमें बड़े वाला सिलेक्ट कर लूँ। ये देखिए लार्ज फ्लेयर है जो कि जिसका साइज़ 42 cm+30। मैं यहाँ के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग से ऑप्शन आएंगे। ये देखिएगा ये भी नॉट अवेलेबल में आ रहा है। जो ऑर्डर नॉट अवेलेबल हैं उनके लिए आप ऑर्डर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ 24 cm, ये देख लेते हैं 42 वाला 475 रुपये का है, इसमें भी 50 लार्ज M दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये अवेलेबल है, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। ये देखिए बंडल ऑफ लार्ज फ्लेयर 42.30 cm cm जो लिखा है सेंटीमीटर के लिए होता है cm। तो यहाँ आपने क्लिक करना है बाय नो के ऊपर, बाय नो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। बाय नो वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले सेक्शन में प्रोसेसिंग टू पे, पहले सेक्शन में ये आपसे पूछेगा आपका नाम होगा लिखा हुआ, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल और आपके समरी वगैरह। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा नीचे, वाउचर कोड आता है, अप्लाई सेक्शन आता है। आपके पास अगर कोई वाउचर कोड हो तो देन आप इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो इसका मराहल है, नेक्स्ट जो सेटअप है इसका, उसके ऊपर आपने क्या करना है ये देखिए कि ये आपने डिटेल फिल कर ली। अगर आप इसको एडिट वगैरह करना चाहते हो तो एडिट सेक्शन यहाँ पे मौजूद है। बिलिंग एड्रेस चेंज करना चाहते हैं वो भी, ई मोबाइल नंबर ये चेंज करना चाहते हैं या ईमेल वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैं अब प्रोसेसिंग टू पे, मतलब अब मैंने अपनी कॉन्टैक्ट मतलब डिलीवरी जो एड्रेस है, डिलीवरिंग एड्रेस के ऊपर मैंने पूरा उनको बता दिया है कि मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये, ईमेल ये है, इस एड्रेस पर डिलीवर कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में वो पूछ रहा है कि आपने इसकी पेमेंट किस तरीके से देनी है, पेमेंट देने का तो क्या तरीका कार रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे इसके पास ऑप्शन है, जैस कैश है, डेबिट कार्ड, HBL इंटरनेट बैंकिंग, HBL इजी पैसा वैलेट वगैरह शामिल हैं। तो यहाँ पे मैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने भी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है, जब पार्सल आपके पास आ जाए तो आप उस वक्त पैसे दे दें, अगर आप ऑन देना चाहते हैं तो उसी वक्त भी आप दे सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए ये कह रहा है ठीक है जी आपका ऑर्डर मिल चुका है, डोर ऑन स्टेप जब आप जो है मतलब डिलीवर किया जाएगा उसके पैसे आपको उस वक्त देने होंगे। तो कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, मतलब बहुत सारी ऐसी डिटेल्स आ जाएगी जो आपके ऑर्डर के रिलेटेड होगी। यहाँ आपके पास पैसे आ जाएंगे, ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, 475 रुपये की ये प्रोडक्ट है, 175 रुपये इसके ऊपर टैक्स लग रहा है और टोटल पैसे आपने इतने देने हैं 650 रुपये। अच्छा यहाँ से अगर ये पेज हट जाता है तो फिर आपने कैसे इसको फाइंड करना है, यहाँ पे आपने अपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे माई ऑर्डर में आना है। माई ऑर्डर में आने के बाद ये देखिए ये ऊपर आपका ऑर्डर पड़ा है यहाँ पे अगर आप इसको मैनेज करना चाह रहे हैं तो मैनेज कर सकते हैं। ये दो हैं, एक पहले मैंने ट्राई करके देखा था, उससे पहले ये एक मुझे डिलीवर हुआ हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ये आपका ऑर्डर हो गया है, आप इसको मज़ीद बेहतर देखना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ट्रैकिंग आईडी लिखा हुआ है, ट्रैकिंग आईडी जो है आप खुद इसमें ट्रैक कर सकते हैं। बैक करता हूँ मैं, ट्रैकिंग आईडी आ रहा है, ट्रैकिंग आईडी से ये होता है कि आपको आप इस ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो मज़ीद में अगर आप ये देखें सबके ऊपर है पे टू ऑल टू शिप टू रिसीव्ड, ये सेक्शन के ज़रिए भी आप इसका पता लगा सकते हैं। और अगर ऑर्डर मैनेज में चलते हैं,
ऑर्डर मैनेज में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑर्डर मैनेज में आपके पास वो सेक्शन आ रहा है किस सेक्शन से गुजरकर आपका ऑर्डर आपकी दिए हुए एड्रेस पर पहुँचेगा। प्रोसेसिंग है, शिप्ड है और उसके बाद डिलीवर होगा तकरीबन, यही है। और इसके बाद अगर मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पे देखिएगा, थैंक यू फॉर शिपिंग ऑन दराज, यूअर ऑर्डर बीइंग वेरीफाइड, मतलब ऑर्डर जो है तुम्हारा कन्फर्म हो चुका है। और यहाँ पे आप लास्ट में एक कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसके ऊपर आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने के दो तीन तरीके हैं, एक तो ऑर्डर आपके पास आए आप ना रिसीव करो तो वो वापस चला जाता है, वो भी कैंसिलेशन में ही चला जाता है। एक होता है यहाँ आप ख़ुद भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये अभी कैंसिलेशन नहीं होगी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आप इसको कैंसिल कैसे कर सकते हो या इसका क्या तरीका कार होगा। तो बहुत ही इजी मेथड है, उम्मीद है आपको ऑर्डर प्लेस करने के हवाले से तमाम तर समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस वीडियो के नीचे कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर बेहतर वीडियो बनाई जाएगी और उसके बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।